अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान इफ्तार स्पेशल मटन लॉलीपॉप बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में यह रेसिपी बनकर तैयार होती है और इफ्तार के लिए तो एकदम बेस्ट रेसिपी है, तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए लिया है मटन मिंस, यानी कि मटन का कीमा, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब आपको यहाँ पे लेना है ग्राइंडिंग जार और इसमें हम ये डाल देंगे कीमा, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कुछ चीज़ें जिससे कि ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है एक मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप किया हुआ, इसको हम इसमें डाल देंगे, और एक मुट्ठी हम यहाँ पे लेंगे हरा धनिया, और साथ ही में इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। 2 इंच की कली मैंने यहाँ पे अदरक की ली थी और 7 से 8 कलियाँ लिया था मैंने यहाँ पे लहसुन का, और आधा नींबू का जूस डालेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे नींबू नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं इसको। अब इसमें हम डाल देंगे एक अंडा, यहाँ पे एक अंडा डाल दे तोड़कर, और अब आपको यहाँ पे इसमें डालना है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्च, यहाँ पे हमने लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है तो आप यहाँ पे इसे ध्यान से डालें, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक, और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, और बस अब आपको यहाँ पे डालना है ब्रेड के स्लाइस। तो 3 से 4 में यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस रह रही हूँ, इसको हम इसे तोड़कर डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे आप इसका ढक्कन लगा दें और इसको हम बारीक सा पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अगर आपके पास यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये भी नहीं है तो आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर लें। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स डाल दें, और डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका जैसे डो बनाते हैं हम, वैसे ही आपको यहाँ पे इसे मिक्स करना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका डो बना लिया है, अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब आपको यहाँ पे लेना है चीज़, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 क्यूब चीज़ के, और यहाँ पे मैं अमूल के चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे लेना है एक नाइफ, और नाइफ से हम यहाँ पे इसके 1 क्यूब के 4 पीस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे बीच से कट करना है और इसके 4 पीस करना है। चीज़ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ को कट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे लेना है जो हम चाट खाते हैं उसी चम्मच का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, चाट वाली चम्मच का, और यहाँ पे आपको स्पून लेनी है और इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे क्यूब को चम्मच में लगा दीजिएगा, तो इस तरीके से बहुत ही टेस्टी इसमें फ्लेवर आ जाएगा लॉलीपॉप्स में। तो इसी तरीके से आपको सारे चम्मच में चीज़ को लगा लेना है। अब आपको यहाँ पे मिक्स लेना है और इसे इस तरीके से आपको फ्लैट करना है हाथों पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लैट कर लें, और इसके बीच में आपको रखना है ये स्पून जो हमने चीज़ लगा के रखी है, और इसके बाद आपको इसे कवर कर देना है बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरीके से आप इसे कवर कर लें, बहुत ही आसानी से यह रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम टाइम में यह रेसिपी बनके तैयार होगी। आप इस रेसिपी को बना के स्टोर भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे लॉलीपॉप्स बना के तैयार करने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने सारे लॉलीपॉप्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इनको कोट करने की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी में। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे मैदे की स्लरी में भी इसे कोट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट इसे कोट करना है ब्रेड क्रम्स से। इस तरीके से इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है जो कि बहुत ही क्रिस्पी लगती है खाने में। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे कोट करके डीप फ्रीजर में रख दें, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप जब चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे लॉलीपॉप्स को कोट करना है, बहुत आसान तरीके से होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे लॉलीपॉप्स को कोट कर लिया है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे पलटते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइड से क्रिस्पी गोल्डन हो गया है और इसका जो कलर है वो भी रेड हो गया है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं इस पॉइंट पर। अभी आपको यहाँ पे इसे ऑयल से निकालना है, और निकालने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ में,
आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद की चटनी के साथ इसको सर्व करिए। और इसमें जो हमने चीज़ डाला है उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। और बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही मज़े की लगती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।